Assalamu alaikum student, how are you? I hope that you will be fine. Student, our today's lecture is lecture number 2 on the most famous one act play, BA English 3rd year syllabus. The most famous one act play, something to talk about, written by Adam Philpotts. दिस इज़ लेक्चर नंबर 2. आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, और इस लेक्चर के अंदर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट फेमस क्वेश्चन पुट बाई द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. मैं जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है उनको इसके अंदर डिस्कस करूँगा, एंड आई वुड लाइक टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट डैट वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर कम्स इन इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. तो लेट्स स्टार्ट, आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन. ओके जी, सो आई हैव गिवन द टॉपिक, आई हैव गिवन द हेडिंग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको फेमस जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ. अच्छा, एक तो ये है कि द प्लेज इज अ कॉमेडी, ठीक है ना, यानी कि ये एक कॉमिक प्ले है, ठीक है. कॉमिक प्ले, कॉमेडी वो होती है डेट प्रोड्यूसेस लाफ्टर, जो लाफ्टर प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, जिसको पढ़कर जो रीडर होता है वो खुश होना शुरू हो जाता है, वो उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी हंसी आना शुरू हो जाती है. तो जब हम डेफिनेटली नो डाउट व्हेन वी गो थ्रू दिस स्टोरी, व्हेन वी रीड थ्रू दिस स्टोरी, वी कम टू नो वी फाइंड इट एज अ कॉमिक, एज अ कॉमिक प्ले. ये कॉमिक वन एक्ट प्ले है, एंड दैट इज़ अ कॉमेडी, कॉमेडी बिकॉज देर आर मैनी सिचुएशन दैट आर फुल ऑफ कॉमिक सिचुएशन. देर आर मैनी सिचुएशन डैट हैव सम कॉमिक रिलीफ, जिसके अंदर कॉमिक रिलीफ है. और ओवरऑल जब हम अपनी फाइनल राय देते हैं तो वी कैन से डैट इट इज़ अ कॉमिक प्ले. कॉमिक प्ले इस हवाले से कहा गया है कि अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ लें, और जिस तरह वो वुल्फ आता है और जिस तरह जो है वो बिहेव करता है, लेटर सिडनी बिहेव करती है, जिस तरह जो है वो गाय सिडनी बिहेव करता है, और जो लेडी रेडचेस्टर है जो उनका एटीट्यूड है, जो लॉर्ड रेडचेस्टर है जिस तरह वो बिहेव करता है, कि एक चोर के आने पर दे आर सो हैप्पी कि उनके घर में एक चोर ही तो आया है, लेकिन वो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे कोई हमारे सामने कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आके बैठ गया हो, ये है, इतनी वो उसकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं. तो चोर के आने के ऊपर वो इतने खुश हैं, और उस वक्त सिचुएशन जो है वो ज़्यादा कॉमिक हो जाती है जब वो बिशप जो है वो अपना ब्रेन यूज़ करता है, यानी वो अपनी अकल इस्तेमाल करता है, और अकल इस्तेमाल करके तहाइफ को बचाने की कोशिश करता है, और जिस तरह का वो मशवरा दे रहा है उसको जो है वुल्फ को, तो वो आम भी कोई बंदा जो है वो हंसे बगैर नहीं रह सकता है. तो ये एक कॉमिक प्ले है, इसमें कॉमेडी है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ अनएक्सपेक्टेशन, स्टोरी ऑफ अनएक्सपेक्टेशंस. ये अनएक्सपेक्टेशन यानी अनएक्सपेक्टेशन की स्टोरी है. अब मतलब ये है कि इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस डैट व्हेन अ वुल्फ, व्हेन एनी बर्गलर और थीफ कम्स इनटू एनी हाउस, द होल फैमिली गेट्स स्केर्ड एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग, दे स्टार्ट मेकिंग देयर फोन कॉल टू द पुलिस, दे स्टार्ट स्क्रीमिंग सो एनीबॉडी कैन हेल्प देम, सो दे आर वरीड. तो वो दे वुड लाइक टू सेव देयर थिंग्स वैल्यूएबल्स फ्राम द थीफ. अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी जो है वो
जो है उसको कीमती चीज़ें हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हो रहा है। इट इज़ अगेंस्ट द कॉमन थिंकिंग, जो आम आदमी का एक अप्रोच है, आम आदमी की सोच है, उसके हट के हो रहा है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे वो फैमिली जो है वो अपने सामने कोई मूवी देख रही हो या फिल्म देख रही हो, थिएटर लगा हो, जिस तरह वो चेयर सेट करके बैठ जाते हैं और जिस तरह वो वुल्फ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो वो खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, उसको विस्की सोडा जो है वो बना बना के, सिगरेट जला जला के उसको दिए जा रहे हैं और उसको पासवर्ड तक बता दिया जाता है। तो ये जो है ये अनएक्सपेक्टेड ऐसा होता है, ऐसे कभी किसी घर में होता नहीं है। तो ये स्टोरी ऑफ अनएक्सपेक्टेशन है। अच्छा, फिर ये प्ले जो है, दिस वन एक्ट प्ले शोज द रियल फेस ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है उसका जो रियल फेस है उसको दिखाने की जो है वो कोशिश की गई है कि कॉमन अजम्पशन ये है द रिच आर द गुड पीपल एंड द पुअर आर द बैड पीपल। आम आदमी यही बात करता है कि द रिच आर द गुड पीपल एंड द पुअर आर द बैड पीपल। आगे हम आपके सिलेबस में एक चीज़ पढ़ेंगे, हॉस्ट एंड गेस्ट। हॉस्ट एंड गेस्ट के बारे में भी आम आदमी की अजम्पशन ये होती है कि जो अमीर आदमी होता है वो अच्छा हॉस्ट होता है और जो गरीब आदमी होता है वो अच्छा गेस्ट होता है। तो बियर बॉम जो है वो इसको निगेट करते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, कि ये बात होती है एटीट्यूड के ऊपर, हमारे रवैये के ऊपर होती है कि हम किस किस्म के हैं। अगर ये हो सकता है कि एक गरीब आदमी जो है वो उसकी नेचर अच्छी है और पैसे उसके पास नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो दूसरों को सर्व करेगा, वो एक अच्छा हॉस्ट भी हो सकता है। और हो सकता है कि एक अमीर आदमी हो, उसके पास पैसे भी हों, दूसरों को खाना खिलाने की, हॉस्टिंग करने की, ये सारे मसलन उसके पास ज़राए भी हों, लेकिन बाई नेचर जो है वो ग्रीडी हो और वो दूसरों को कभी भी उसने एंटरटेन ना किया हो। तो इस तरह यहाँ भी यही मसला है जो कि एक रियल चीज़ है कि ये गलत एक एग्जाम्पशन है स्टूडेंट के, जब हम कहते हैं कि ये बंदा अमीर है तो ये सखी होगा, ये गरीब है तो ये कंजूस होगा, ये अमीर है तो ये अच्छा होगा, ये गरीब है तो ये बुरा होगा। बात ये है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक गरीब के अंदर अच्छा दिल हो और एक अमीर के अंदर जो है वो बुरा दिल हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। यानी ये कोई लेबल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है लोगों का मेजर करने का। तो यहाँ भी देखें, जो वुल्फ है, अगरचे हालात ने उसको एक वुल्फ जो है वो बना दिया है, चोर बना दिया है, लेकिन बाय नेचर वो बड़ा काइंड है, बड़ा शफीक है, ठीक है, वो वालदैन का बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला है, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर जो है वो अपनाता है। और दूसरी तरफ जो लेडी रेडचेस्टर और लॉर्ड रेडचेस्टर जो कि अमीर कबीर एक फैमिली है, तो उनके अंदर का जो ग्रीडनेस है, जो लालच है, वो बाहर को आ जाता है और वो मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करते हैं, उसको इमोशनल हाईजैक करते हैं। और बिशप जो है वो तो मज़हब के इस्तेमाल करके, मज़हब के नाम के ऊपर, यानी वो एक गलत चीज़ जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस वन एक्ट प्ले शोज़ द रियल फेस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक पीपल। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो करेक्टर स्केच ऑफ वुल्फ आ सकता है, वो बड़ा फेमस है, करेक्टर ऑफ वुल्फ। वुल्फ का करेक्टर आ सकता है स्टूडेंट। उसके बाद जो है लेटिस का करेक्टर आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पॉइंट्स अच्छी तरह जो लेक्चर वन में मैंने लिखे हैं, अगर वो पॉइंट्स क्लियर हैं और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू राइट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इन दिस वन एक्ट प्ले, ठीक है ना। इस वन एक्ट प्ले के अंदर जो 6-7 करेक्टर काम कर रहे हैं,
उनमें से किसी के बारे में भी लिखना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं. तो दीज वर सम फेमस क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं और इनके ऊपर जो है वो मेजर असाइनमेंट बनती हैं. उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.